नमस्ते, मैं तारा माने. अपने बारे में क्या ही बोलूं, सातारा की बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुझे ना स्कूल और पढ़ाई में इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है. बेस्ट डॉटर भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो राधिका ताई है. बेस्ट डांसर वो भी नहीं. बेस्ट 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 अपने दोस्त की बेस्ट फ्रेंड हूँ, आजी की बेस्ट पोती हूँ, और एमके की बेस्ट फैन हूँ, और गणपति बप्पा की सबसे ज़्यादा फेवरेट हूँ मैं. अभी अपने बारे में तो बता ही दिया मैंने. चलिए आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, पर एक सेकेंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, वो आपसे एक रिक्वेस्ट है. मैंने ना अभी तक बाबा को बताया नहीं कि मेरा रिजल्ट आ गया है, और उनको पता नहीं है, तो आप ही नहीं बताएंगे ना बाबा? मैं आप ही के बारे में बात कर रही थी. ये है मेरे बाबा, बेस्ट कथक डांसर और बेस्ट कथक टीचर. मुझे ना डांसर नंबर वन बहुत ही ज्यादा पसंद है, इनको बिल्कुल भी नहीं. आई आई आओ ना इधर. ये है मेरी प्यारी आई, मेरे पूरे घर को संभालती हैं और मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं, और मेरी हर गलती माफ कर देती हैं. और अब मैं आपको मिलाती हूँ मेरे बाबा की फेवरेट बेटी से, राधिका ताई, मेरी बड़ी बहन. क्या है ना, ताई को ना 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए थे, तो इनको बाबा ने फ़ोन दिला दिया. और जब भी मैं फ़ोन मांगती हूँ तो ये इतना नाटक करती है कि मन करता है इसका फ़ोन गाय के गोबर में डाल दूँ. सॉरी. आजी आजी ये देखो, है ना बिल्कुल झका स्कूल टाइप्स आजी, बेस्ट आजी. अरे आपके अलावा मेरी कदर ही कौन करता है. और हमारे साथ ना काका काकी और रोहन, उनका छोटा बेटा भी रहता है. किधर है वो लोग? अरे वो रोहन, ये ये ये. तो ये हैं वरुण काका, बहुत ही क्यूट हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सवाल करते हैं, मतलब करते ही रहते हैं, मतलब बंद ही नहीं होते. अब तो बाबा ने भी जवाब देना बंद कर दिया है. और काकी तो बिल्कुल क्या कहते हैं, उल्टा को ऑपोजिट, बिल्कुल ही अलग है. मतलब जो दिल में आया कह देती हैं, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता इनको, बट दिल की बहुत ज़्यादा साफ है. और रोहित क्या बहुत पढ़ाकू है, तो मुझे हर समय करेक्ट वरेक्ट करता रहता है, ये पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है. ज़्यादा करेगा ना तो एक फटका दूंगी, चुप बैठ उधर. पर अभी मेरी फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है. मेरा बेस्ट फ्रेंड बेदानी, ये है बेदानी मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो मेरे बारे में मेरे से ज़्यादा ही सोचता है, जिसको लगता है मैं काफ़ी कुछ कर सकती हूँ, और मेरा साथ कोई देना दे बेदानी ज़रूर देता है. अभी आपको मेरी फैमिली के बारे में सब कुछ तो पता चल ही गया है, और जानने के लिए तो आपको शो देखना पड़ेगा ना. तो तारा फ्रॉम सातारा, 10:30 PM मंडे टू थर्सडे, 19th August से ओनली ऑन सोनी. तारा 10:30.
ये बहुत लंबी खोज रही है और मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि कितना वक्त लगा, क्योंकि इतना वक्त लगा. एंड ऑफ कोर्स भी हमको एक 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 अच्छी एक्ट्रेस चाहिए थी, एक अच्छी परफॉर्मर, और साथ में एक डांस करने की खूबी भी होना उसमें बहुत ज़रूरी था. तो ऑफ कोर्स कास्टिंग बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग थी, बट टुगेदर आई थिंक विद द चैनल वी स्कैन्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड फाइनली वी वर ऑल फॉर्चुनेट दैट वी फाइंड रोशनी, आई थिंक हु इज डूइंग अ ब्रिलियंट जॉब इन द शो. But actually, the instant we saw her, we knew this was Tara. There was no double guessing there. Bas. Bas. Tasara dikhaya. Haan ji. Rishta sawal. Dilip ji. Satara mein kitna shoot hai aur yahan pe kitna hai aur match kaise kar rahe hai? No, jaise sare jo, because you know, ye show Satara se shuruaat hoti hai. लेकिन लार्ज तो आपने जो अभी देखा, क्योंकि वो बिगिनिंग ऑफ द शो है तो उसमें लार्जली सातारा में ही शूट हुआ है, तो सातारा का जो पूरा पोर्शन है वो सारा सातारा में शूट हुआ है. लेकिन कहानी सातारा की नहीं है, सातारा से शुरुआत होती है, कहानी मुंबई की है, यहाँ फिल्म सिटी की है. तो फिल्म सिटी में जो रियलिटी शोज के, जैसे यू नो बहुत सारे जो डांस शोज के जो सेट लगे हैं, उस सेट पे कहानी आगे बढ़ती है. तो वो सेट का सेट, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन वो सेट का सेट बना है जो यही मुंबई में है, क्योंकि हमें मुंबई दिखाना है. एक स्मॉल टाउन और यू नो मिड टाउन लाइक सातारा, यू नो पीपल कम इस माया नगरी में आके, दे मेक इट बिग, तो वो रिफ्लेक्शन है. तो वो वी बीन ट्रू टू दैट. सातारा में जैसा यू नो करीब हमने ऑलमोस्ट अ मंथ वी शॉट देयर, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर अब आगे की कहानी. तो शुरू में यू विल सी सातारा, बाद में इट्स एवरीथिंग इन मुंबई. सो द कॉन्सेप्ट इज रियली न्यू, ड्रामा प्लस रियलिटी, तो ये आइडिया कैसे आया एंड हाउ इज दिस एक्चुअली पुट टुगेदर? सो थॉट यही था कि जैसे आशीष भाई ने भी शुरुआत में बताया कि एक लड़की की एक अंडरडॉग स्टोरी है, लेकिन जिस दुनिया से वो गुजरती है वो डांस रियलिटी की दुनिया है. डांस रियलिटी एक बहुत पॉपुलर जॉनर है, पूरा देश देखता है, सालों से देखता आया है, लेकिन उसमें कभी ये हमको समझ में नहीं आता उस दो मिनट में जहाँ पे हम वीटीज देखते हैं या इनकी बैक स्टोरी के बारे में कुछ मालूम करते हैं कंटेस्टेंट्स की, कि एक्चुअली कितनी मुश्किल, कितनी परेशानियाँ, कितनी होप, कितनी एस्पिरेशंस के साथ ये कंटेस्टेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं. सो थॉट ये था कि एक अंडरडॉग स्टोरी, एक ऐसा किरदार चुने जो बहुत लवेबल हो और उसकी कहानी को लेके इस दुनिया में घुसें, ताकि आप इमोशनली भी उससे जुड़े रहें और आपको ये भी पता चले कि डांस रियलिटी का वर्ल्ड कितना चैलेंजिंग होता है, ये कॉम्पिटिटिव होता है, ये आसान नहीं होता, लेकिन इवेंचुअली कोई भी विनर तब बनता है जब उसको कोई पर्पस अपना पता होता है, उसको कोई मकसद पता होता है, और वो ढूंढना अपने आप में एक जर्नी होती है किसी की भी. तो कई बार हालात से पता चल जाता है, जो सिचुएशन से आप गुजरते हैं ज़िंदगी में, या कई बार सेल्फ रियलाइजेशन होता है. तो दैट इज़ द स्टोरी ऑफ तारा, हाउ शी विल रियलाइज हर ट्रू पर्पस इन लाइफ, और उसको पूरा करने में वो कैसे अपने बाप का नाम रोशन करेगी या उसकी नज़रों में अच्छी बन के निकलेगी. दिस वे, हाई गुड इवनिंग. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशंस रोशनी एंड द एंटायर टीम ऑफ तारा फ्रॉम सतारा. सर जानना चाहूँगी, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट है, वी हैव लव्ड द प्रोमोस, 10:30 का टाइम स्लॉट कितना जस्टिस कर पाएगा? बिकॉज जो फैमिली शो है सर, टाइम एक अलग है, बट 10:30 सर क्या लगता है कितना जस्टिस कर पाएगा, ऑडियंस को कितना ग्रिप कर पाएगा? देखिए, मैं आपको एक सोनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको रिप्लाई करना चाहूँगा. 10:30 बजे हिस्टोरिकली हमने बहुत अच्छे और बड़े शोज़ किए हैं एंड दैट हैव रेटेड वेल. सोनी की जो व्यूअरशिप प्राइमरीली आती है वो मेट्रोज और जो अर्बन यू नो सेंटर्स है वहाँ से आती है, और जहाँ पर दिन थोड़ा लेट शुरू होता है और लेट तक चलता है, एज इन पीपल कम होम लेट 8:30, 8:30. तो 10:30 बजे लोग यू नो आजकल तो वैसे भी टेलीविजन लोग लेट तक देखते हैं, तो 10:30 बजे का स्लॉट उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अलग नहीं है. 10:30 बजे रखने का हमारा जो मतलब द रीज़न, वन ऑफ द प्राइम रीजन इज़ दैट इट विल फॉलो कौन बनेगा करोड़पति. सो फॉर 13 वीक्स KBC के तुरंत बाद आएगा, तो KBC की जो ऑडियंस है वो हमें लगता है वो रियलिटी शोज और नॉन फिक्शन, जिसको हम कहते हैं अनस्क्रिप्टेड, वो उस तरह का
वर्ल्ड देखना पसंद करते हैं. तो इट्स अ वेरी नेचुरल फ्लो इन फ्रॉम कौन बनेगा करोड़पति टू तारा फ्रॉम सातारा. सो हमने पहले भी हमारा एक बहुत ही सक्सेसफुल शो जो विच इज़ कमिंग टू एन एंड यू नो जो 10:30 बजे आ रहा है, ये उन दिनों की बात है, वो हमने 2 साल पहले कौन बनेगा करोड़पति के साथ ही शुरू किया था एंड इट डिड एक्सट्रीमली वेल फॉर अस. सो आई थिंक वी आर जस्ट होपिंग हर कहीं लोग हैं, ऑडियंसेस हैं, अगर अच्छा कंटेंट होगा तो लोग देखेंगे. मेरा सवाल रंजीत जी से है. हाय, शो में आप जो फैमिली मेंबर्स आते थे उनको देख करके बहुत सारी ऐसी कहानियां आपको पता चलती थी, तो क्या ये स्टोरी रियल बेस्ड है? मतलब जो आपका ये तारा का कहानी है, किसी लड़की की सच की कहानी है? सच की कहानी तो है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं, बहुत सारे अंडरडॉग्स हैं जो हमारे शो में आ चुके हैं. समटाइम्स दे हैव ऑल्सो वन द शो, चाहे वो फैजल हो, चाहे वो यू नो एनी कंटेस्टेंट हु हैज कम ऑन शो. मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पे अंडरडॉग्स हैव ऑलवेज वन द हार्ट्स एंड द बिग शो. तो ये इंस्पायर्ड है. मैं किसी पर्टिकुलर आदमी या किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के बारे में नहीं बोल सकता, बट ये बोल सकता हूँ कि जो उनकी लाइफ में घटनाएं हुई हैं, जो हमने देखी हैं वेरी क्लोजली फॉर ऑलमोस्ट 15 वीक्स 16 वीक्स, उस पर इंस्पायर करके हमने ये पूरी कहानी रची हुई है. लास्ट वन और टू क्वेश्चंस प्लीज. तारा, दिस इज योर चांस इफ यू वांट टू आस्क समथिंग. नथिंग, यू स्टिल डिसाइडिंग व्हाट टू आस्क, दैट्स ओके. प्लीज सुन नहीं पा रहे हम. आपने जो शो में इतनी बड़ी फैमिली जोड़ी है, ढेर सारे लोग, परिवार के दोस्त भी, तो क्या इसलिए जोड़ी है ताकि और कनेक्ट हो सके एक परिवार से? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल जैसा रंजीत वाज सेइंग कि हम दिन मतलब 15 सालों से मैं और रंजीत हम साथ में पहले एक साथ काम करते थे. अभी वो प्रोड्यूसर है, मैं चैनल में हूँ. तो हमने बहुत सारे डांस शोज बनाए, सिंगिंग, डांसिंग, ऑल काइंड्स ऑफ शोज. 15-16 सालों से हम देख रहे हैं कि किस तरह के लोग आते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड क्या होता है, किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स और इसे वो गुजरते हैं और किस तरह वो दे मेक इट बिग. जैसे ही वो सेइंग हमारे जो इस साल की सुपर डांसर की जो विनर हैं, या लास्ट ईयर के जो दित्या भांडे जो season 1 की विनर थी, season 2 में विशाल थे, ये सारे एक बहुत ही अलग अलग परिवारों से आते हैं और उनके परिवारों को और उनका एक क्लोज कॉन्फिडेंट या फ्रेंड होता है जो हमने अमुक बेदाने कैरेक्टर बनाया है. सी, ये सारा जो है वो हमारे राइटर्स की बहुत अथक प्रयास के बाद ये कैरेक्टर्स क्रिएट हुए हैं, लेकिन इनकी जो इंस्पिरेशन है वो किसी न किसी से कहीं ना कहीं मिली है. और बिकॉज वी हैव अ रिच एक्सपीरियंस ऑफ सो मेनी ईयर्स ऑफ मेकिंग रियलिटी शोज, वो कहीं ना कहीं रियल है तो शायद आपसे कनेक्ट या व्यूअर से कनेक्ट बेहतर करेगा. ऑन दिस वन ऑफ द आई मीन वी हैव अ स्टेलर कास्ट ऑन दिस वन. इट्स एक्सट्रीमली टफ, एज आई वॉज मेंशनिंग अबाउट द क्रू, कि वो पागलपन में साथ देने के लिए एक पागल क्रू हमारे साथ है जो हमारी इस मैडनेस को सपोर्ट कर रहा है. हमारी कास्ट भी वैसी है बिकॉज यू नो एक तरह का कॉन्टेंट बन रहा है और उस तरह का लोग एक्ट कर रहे हैं या उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हम कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं. तो वो कोऑपरेशन जितना हमारी टेक्निकल क्रू से हमें मिलता है उससे ऑलमोस्ट उतना ही या उससे ज़्यादा शायद हमारी जो कास्ट है, जो सईद भाई इज पुट टुगेदर. वी हैव सम अवार्ड विनिंग उपेंद्र इज अ आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज वर्क एंड यू नो इट्स नेशनल अवार्ड विनर एंड ऑल ऑफ देम एक्चुअली. एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट दे हैव अग्रीड टू डू समथिंग लाइक दिस व्हिच इज वेरी सिंपल, रियल, बट आई थिंक रिलेटेबल. मैं एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँगा इसमें कि हमने चैनल अनु एंड टीम के साथ और सब लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे लोग स्कैन करे थे और आइडिया ये था कि एक ऐसी लड़की की ऐसी रियल दुनिया क्रिएट करें जो हम सब मिलकर करना चाहते थे, जहाँ पे आपको रिश्तों की नोकझोंक उसका मज़ा भी आता रहे, साथ में एक अच्छी कहानी भी आप कह पाए. तो ये माहौल, ये पूरी दुनिया बिलीवेबल हो, रिलेटेबल हो और आप हर एस्पेक्ट का जो हमारी आम जिंदगी में जिससे हम गुजरते हैं उसका आप आनंद उसमें ले पाए इस कहानी में. We have time for one more question, please. Okay, right. Hello. अच्छा, सीरियल में फैमिली महाराष्ट्र दिखाई गई है. मुंबई में मराठी अलग तरह से बोली जाती है,
सातारा में अलग तरह से बोली जाती है और सीरियल हिंदी है, तो किस तरह की लैंग्वेज यूज की गई है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, हमारे लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज जहाँ तक एक तरफ हमें ऑथेंटिसिटी मेंटेन करनी है तो एक लिंग्विस्टिक जो डायलेक्ट होता है उसको हमें रखना है, एट द सेम टाइम हमें ये इंश्योर करना है कि एक जो लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया उसको कनेक्ट करे, वो उनको ये ना लगे कुछ एलियनेटिंग है, ये कुछ अलग है जो हम समझ नहीं पा रहे, तो वो बैलेंस आई थिंक हमारे जो डायलॉग राइटर हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं और ऑफकोर्स एक्टर्स भी हमारे बड़ा उसको बैलेंस करने का प्रयास कर रहे हैं, बट आई थिंक जो आपका सवाल था कि हम कितना हद तक जस्टिस कर पाएंगे, द फैक्ट इज शो हिंदी में है तो हम एक बहुत फाइनर जो लिंग्विस्टिक नुआंसेज हैं उनको नहीं पकड़ पाएंगे, बट कोशिश करेंगे कि लोगों को ये मतलब जो सातारा के या महाराष्ट्र के लोग हैं उनको बुरा ना लगे और जो हिंदी भाषी लोग हैं उनको अच्छा लगे, तो ये जोन में हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें हमारे जो डायलॉग राइटर हैं वो भी एक्चुअली सातारा के ही हैं, तो जब इनसे आप हिंदी में बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो सातारा के हैं। बहुत 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 ज़्यादा, मैं कितनी बार भी बहुत बोलूँ वो एक्साइटमेंट आप लोगों को नहीं समझ में आएगी। मैंने इस शो के लिए लिटरली बहुत ज़्यादा डांस क्लासेस करी हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, हम लोगों ने मतलब जान डाल दी है और आई होप कि आपको वो हार्डवर्क दिखे, आप लोग को तो दिखा ही होगा, नहीं दिखा तो छोड़ दो, बट आई होप आप लोग को दिखा हो और आई होप आप लोग देखें और आप लोग को ये शो अच्छा लगे, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे तो लग रहा है कि नहीं वो तो जाने वाली है ऊपर ऊपर ही भेज दिया ऊपर ही भेज दिया डायरेक्टली। ओके, आप तो डांसर नहीं, आपके घर में एक और डांसर है तो कथक सीखती है, उनसे कुछ आप इंस्पिरेशन लेती हैं? नहीं।
मुझे पता ही नहीं कि मैं डांसर हूँ. आप देखो ना, मैं मतलब बाराती डांस करती हूँ जो रियल लाइफ में रोशनी भी करती है. तो आई डोंट थिंक सो तारा को वो डांसर वाला सीखने का कभी वो था या वो किसी से इंस्पायर होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है. वो मस्ती वाली है, जैसे होता है ना बारात में जाके ओहो वैसा. बिल्कुल. जैसे बोलते हैं ना, हीरे को जौहरी समझ सकता है, वैसे मैं ही समझ सकता हूँ इसका टैलेंट. और कोई समझ नहीं पा रहा, लेकिन मेरे को पता है कि आगे जाएगी बहुत. आप रियलिटी शो में भी पार्ट लेने वाली हैं, आपके पापा का वो तो शो के साथ जैसा जनता को अच्छा लगेगा वैसा होगा. बट हाँ, तारा मोस्टली जाएगी जैसा कि अभी तक देखा है, उसको जाना चाहिए. होगा जो भी है, गणपति बप्पा है तो वो अपना काम खुद से कर लेंगे. मैंने बहुत टाइम से सीरियल्स नहीं करे हैं. मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया और मैं बहुत ही अच्छी स्टोरी की तलाश में थी कि कैसी स्टोरी आएगी. तो जब मेरे पास ये ऑफ़र आया था, पहले तो मेरा था कि स्टोरी कैसी है, क्योंकि मुझे बहुत रियलिस्टिक चीज़ करनी थी जो लोगों से कनेक्ट हो, आज की डेट में सारे बच्चों से कनेक्ट हो, मुझसे कनेक्ट हो. तो जब मैंने इसकी स्टोरी सुनी, आई वाज लाइक ख़त्म, बस यही है शो. और बस उसी दिन ख़त्म. तारा एक नटखट, नॉटी और मतलब फोकस्ड नहीं है ज़िंदगी में, और उसको पता ही नहीं कि उसको क्या बनना है. बट शी इज़ अ गुड डांसर. और पापा बहुत डांटे उसको, बार बार डांटते हैं पापा जब वो डांस करती है, क्योंकि पापा को चाहिए कि उसने क्लासिकल डांस सीखना चाहिए. और हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं. मैं मेरे भाई मतलब मेरा जो दादा है उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता, ना मेरी बीवी के अगेंस्ट जा सकता हूँ, ना आई के अगेंस्ट जा सकता हूँ. लेकिन मेरा मतलब मैं सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी आप देखोगे कितना कर रहा हूँ. मैं ये कहूँगी कि तारा को ज़िंदगी में क्या करना है उसको खुद को तो पता है नहीं. वो अभी बस 15 साल की है, तो वो देख लेगी क्या करेगी. उसके पापा तो बोल रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती, आपने भी प्रोमो में देखा होगा. और उनकी सारी उम्मीदें उनकी बड़ी बेटी से है एक्चुअली. तो पहले तो हम उस पर फोकस करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा कथक डांस करती है. तो मुझे चीनू चाची को भी राधिका से ज़्यादा उम्मीदें हैं. पता नहीं तारा क्या करेगी. और मैं ये बोलूँगी कि हमारे घर में ये सचिन माने जो तारा के पापा है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट से है. वो सब घर में रूल करते रहते हैं. इनको तो घर में कुछ वॉइस है ही नहीं. मतलब मैं जो बोलती हूँ वो ये सब करते हैं. तो खुद का कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं, चलने का बोलने का कॉन्फिडेंस नहीं, इतने सारे सवाल करते रहते हैं. तो मैं भी ये सब चीज़ें देखती रहती हूँ. और मुझे आज तक रियलाइज़ हो गया कि मैं अगर बोलूँगी नहीं तो ठीक से घर का काम कुछ कामकाज होगा नहीं. तो देखते हैं अभी तारा कितनी एक तरक्की करेगी, हमारा घर कितना टिक पाएगा. तो लेट्स सी. आजी, आजी, तारा तो आपकी सबसे लाडली हाँ. घर में क्या कहना चाहेंगे टैलेंट की लड़की घर. हाँ, वैसे तो कहते हैं ना, मराठी में कहते हैं कि नातू मंजे काय तो दूधावरची साय, मतलब दूध के ऊपर की मलई होती है नातू नाती. तो ये मेरे दूध के ऊपर की मलई है. और मैं ये चाहती हूँ, या तो मुझे ये मालूम है कि इस लड़की में कुछ तो अलग बात है, और जो सारे छोटे दूसरे बच्चों में दिखता नहीं है, कुछ ऐसा स्पार्क है वो कि ऊपर जाएगी, चमचम करेगी तो मेरी तारा ही चमकेगी. ये उसे, ये आजी को मालूम है. और सारे बच्चे मतलब सारे नाती उसके मलई की ऊपर की दूध के ऊपर की मलई है, मगर ये तारा विशेष उसे मालूम है अजी को. कि ये तारा कितना भी उसे पिताजी ने उसे ना कहा, ये कहा, फिर भी वो पता है उसे कि वो तारा आगे जाएगी. पूरी फैमिली में वो सबको बताती रहती है अजी कि नहीं, इस लड़की में कुछ अलग बात है. वेल, जब मुझे स्टोरी पता चली थी, द फर्स्ट थिंग दैट दे टोल्ड मी, माई कैरेक्टर वॉज अ डांसर. सो आई वॉज रियली हैप्पी बिकॉज मैं हूँ, आई एम अ डांसर माई सेल्फ. तो मेरे लिए टू प्ले दैट काइंड ऑफ अ कैरेक्टर वॉज रियली समथिंग वंडरफुल. जैसे जैसे स्टोरी के बारे में पता चला, तारा की जर्नी, उसमें मेरी हेल्प, उसे आई एम अ काइंड ऑफ अ सिबलिंग जो उसे प्रोटेक्ट भी करेगी, एट द सेम टाइम उसे रियलिटी चेक भी देगी कि लिसन. सो आई वॉज very excited to play this character.
ओके तो इसमें जो स्टोरी दिखाई गई है कि आजकल हमारी रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है जो गर्ल्स रहती है उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाता तो ये बाकी शो से कैसे अलग है जो जितनी शॉर्ट फिल्म है या मूवी भी आ चुकी है तो उससे कैसे अलग है? इसमें ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को हम लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं, इसमें सिर्फ ये है कि जो यंगस्टर्स होते हैं जब नॉर्मली 16-17 साल की उम्र में किसी को भी पता नहीं होता कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है वो सब, तो दिस इज अबाउट दैट कि जब आप टीनेजर होते हैं तब आपको पता नहीं होता क्या करोगे आगे, किस में आपका नाम बनेगा, और अब पहले जैसा नहीं रहा कि आपको डॉक्टर इंजीनियर वैसा बनना है, यहाँ पे अब बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं जिसमें हर बच्चा आगे बढ़ सकता है, बेसिकली उसके ट्रायल एंड एरर की जर्नी है, दे आर वेरी सपोर्टिव ऑफ गर्ल्स, दोनों बेटियां हैं, बहुत ही सपोर्ट करती हूँ मैं राधिका को, उसके डांस में सपोर्ट करती हूँ, जब पढ़ाई में वो अच्छे मार्क्स लेकर आती है तब सपोर्ट करती हूँ, और जब तारा पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं कर पाती तभी भी मैं उसको सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस चीज़ में वो अच्छी है वो कभी ना कभी उसमें आगे ज़रूर बढ़ेगी। ओके, तो आजकल के जो पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनको मैं कहना चाहूँगी कि समझो अपने बच्चे को, आपके बच्चे को क्या चाहिए और उनके लिए क्या बेहतर है, अब पहले जैसा नहीं रहा, बहुत सारे ऑप्शंस ओपन है, बहुत सारे नए नए प्रोफेशंस हैं, तो आप अपने बच्चे को वो जिसमें खुश है वो करने दीजिए।